असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आज महासमुंद पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित कर भाजपा के चारों प्रत्याशियों को जिताने की अपील लोगों से की। श्री सरमा ने कहा कि जिले के चारों भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनावे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने मकान नहीं बनाकर आवासहीनों के साथ वादा खिलाफी की। श्री सरमा ने राज्य सरकार पर बेरोजगारों के साथ भेदभाव करने और शराबबंदी नहीं करने का आरोप लगाया। भाइयों और बहनों, आज हमारा चुनाव भी आ रहा है। चार साल प्रत्याशी महासमुंद में नामांकन दाखिल करेगा और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये सारे प्रत्याशी को आप लोग भारी बहुमत से जिताइए और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार बनाइए। श्री सरमा बिलासपुर जिले के सभी विधानसभा सीटों के भाजपा प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भी शामिल हुए।